Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, my dear CSS aspirants, I hope you would be fine and having a good time. In today's video, I'm going to teach you one of your essays that was pros and cons of globalization and that was asked by examiner in 2021 paper, okay? So question number 8 relates with the pros and cons of globalization. एज यूजल के जब भी आप एक टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसके कीवर्ड्स क्या हैं, क्योंकि जब तक आपको कीवर्ड्स का पता नहीं होगा तब तक आप उस पर डिबेट नहीं कर सकते, तब तक आप उसकी आउटलाइन नहीं बना सकते, थीसिस स्टेटमेंट नहीं बना सकते। तो इस ऐसे के जो कीवर्ड्स हैं वो तीन हैं, एक प्रोस कॉन्स और थर्ड पे ग्लोबलाइजेशन। अब जब आपको कीवर्ड्स का पता चल गया तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज दैट यू हैव टू गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सच कीवर्ड्स। अब उसमें प्रॉस का क्या मतलब होगा, एडवांटेजेस, कौन का क्या मतलब होगा डिसएडवांटेजेस, और ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस किस तरह से कंटिन्यू डेवलप होता है उसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो इसकी बेस पे आप फिर अपनी फर्दर आउटलाइन बनाएंगे जब आपको इनकी कीवर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो आप इनिशियली एक रफ आउटलाइन बनाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ रफ आउटलाइन यू आर गोइंग टू मेक योर फॉर्मल आउटलाइन। ड्यू टू पास्ट ऑफ टाइम स्ट्रेट अवे आई एम गोइंग टू मेक अ फॉर्मल आउटलाइन। तो एज यूजुअल के जब आप इसकी आउटलाइन बनाएंगे तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन की आपका बुलेट होगा, फिर आप थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव की बात करेंगे, फिर आप उसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करेंगे, फिर आपका जो मेन है प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन वो क्या है, दैट वुड बी योर मेन बुलेट। उसके नीचे आपके फर्दर सब बुलेट्स होंगे, और जब आप प्रोज की बात करते हैं तो उसमें आप बताएंगे कि एक तो जो एम्पलीफाइंग द इफेक्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है, कि ग्लोबलाइजेशन आपकी जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है उसको किस तरह से सपोर्ट करता है, इसकी आप बात करेंगे। फिर आप बात करेंगे जो ग्लोबलाइजेशन है किस तरह से आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको सपोर्ट करता है। फिर आप बताएंगे कि किस तरह से जो इंक्रीजिंग एक्सेस है टू अ ग्रेटर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपकी जो एक्सेस इंक्रीज हुई है उसकी आप बात करेंगे। फर्दर आप बात कर सकते हैं किस तरह से जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, और आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, और आपका जो न्यू कल्चरल एक्सपोजर है वो किस तरह से इंक्रीज होता है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। इन पे वो आप इसके एडवांटेजेस की बात कर लें। और फिर हम कहते हैं कि किस तरह से जो ग्लोबलाइजेशन है वो जेंडर इक्वालिटी को सपोर्ट करता है, और जेंडर इक्वालिटी जो जेंडर इनइक्वालिटी उसको डिस्कस करता है। So basically these things they would be considered as advantages of globalization. Next up I'm going to continue the outline. Phir aapki jo main heading hogi that would be cons of globalization, ke what are the disadvantages. Jab aap disadvantages ki baat karenge to disadvantages mein further aapke sub bullets aa jayenge ke jo globalization hai wo kis tarah se jo working class hai unke interest ko protect nahi karta, और जो एम्प्लॉय आप ये कह लें कि जो इनइक्वालिटी है इन एम्प्लॉयमेंट वो किस तरह से है, और उसके बाद आप कहते हैं कि इसमें जो एथिकल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं किस तरह से वो एग्जिस्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशन में, और जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है वो जो एथिकल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, एथिकल जो वैल्यूज हैं और जो मॉरल्स वैल्यूज हैं वो किस तरह से प्रोटेक्ट नहीं हो पाते, आप उनकी बात कर सकते हैं। फिर आप कह सकते हैं कि इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का, कि जो ये डैमेजिंग इसका जो इम्पैक्ट है इफेक्ट है ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन पे, लो स्किल लेबर पे, और आप ये कहते हैं कि किस तरह से ये जो डिस्पैरिटी है, ये जो गैप है हैव्स एंड हैव्स नॉट का, डेवलप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज और सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, उनका जो गैप है वो किस तरह से एग्जिस्ट करता है, उसकी आप बात कर लें कि वो डिसएडवांटेजेस है ग्लोबलाइजेशन का। और फिर आप बात कर सकते हैं कि किस तरह से आपकी ये जो फ्री ट्रेड है उसको अफेक्ट करती है, सो यू कैन से डिस्क्रेडिटिंग अ फ्रीली ट्रेड, ओके। फिर आप बात कर लें कि ये जो इसमें किस तरह से जो पावरफुल स्टेट्स हैं दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट देयर ओन वेस्टर्न इंटरेस्ट, आप उनकी बात कर सकते हैं। और अगेन जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का, कि इसमें ये जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं हाउ दे आर गोइंग टू बी कम्युनिकेटेड एंड दे आर स्प्रेडिंग अक्रॉस द ग्लोब, ओके। और लास्टली आप उसके कंक्लूजन की बात करेंगे। अगेन आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स अर्लियर दैट व्हेन एवर यू आर गोइंग टू कंक्लूड दैट इज अ रेपिटेशन ऑफ योर इंट्रोडक्शन, इट डजंट मीन रेपिटेशन ऑफ आइडिया, that is just repetition, doesn't mean repetition of words, so that is a repetition of ideas, okay? तो आप इसकी बात करेंगे। Okay, so now after examining outline of this topic, we are going to make our thesis statement. तो thesis statement क्या होगी? So you can make your own thesis statement because I have shared my outline with you. Okay, so you can make your thesis statement in comment section of this video, but for your own convenience I'm also going to make a general, you can say,
थीसिस स्टेटमेंट फॉर दिस टॉपिक. ओके, अगर मैं इसकी बात अगर मैं इस टॉपिक पे थीसिस स्टेटमेंट बनाऊंगा तो जो मेरे की वर्ड्स थे उन्हीं पे ही फोकस करते हुए मैं अपनी थीसिस स्टेटमेंट बना ऑब्वियसली बनाऊंगा. तो इस टॉपिक की जो थीसिस स्टेटमेंट वो होगी वो ये होगी कि ग्लोबल दैट इज वन ऑफ द थीसिस स्टेटमेंट्स. ओके, दैट इज नॉट अ कंक्लूसिव स्टेटमेंट. सो यू कैन से ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टीफेसेटेड प्रोसेस व्हिच कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ सोसाइटीज कल्चर पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमीज थ्रू सिस्टमैटिक डिक्लाइन इन you can say in the trade in a systematic decline in the barriers to the cross national for products factors that includes capital people values and ideas. However, some economists and other social sciences regard it as a source of serious problems and consider a negative harmful destructive marginalizing and malevolent influence over economies and societies. तो ये जो हमारे की वर्ड्स थे उन की वर्ड्स के बेसिस पे हमने उसकी थीसिस स्टेटमेंट बना ली कि ये उसका पॉजिटिव है, ये उसका नेगेटिव है और ये उसकी इम्पोर्टेंस है. ओके, नेक्स्ट जो होगा दैट वुड बी द इंट्रोडक्शन. अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन एवर यू आर गोइंग टू गिव इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक सो you have to just touch the main you can say the main points that what are the essential points that you are going to include in your opening paragraph. As you know very well that the thesis statement is also part of your introduction as well, but it depends on you that where you are going to adjust your thesis statement in your introduction, whether that is going to be the last you can say sentence of your introduction or that could be the opening. That depends on you. So agar hum is topic ki introduction ki baat karenge to hum kehte hain ki jo globalization hai that ग्लोबलाइजेशन मीन्स सच प्रोसेसेस जिसमें जो इवेंट्स हैं डिसीजंस हैं और एक्टिविटीज हैं जो कि दुनिया के एक हिस्से में होती हैं तो वो दुनिया का जो दूसरा हिस्सा है उसको भी अफेक्ट कर रही होती हैं. ठीक है, और हम कहते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है दैट हैज अ मेनी डेफिनेशंस बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी यूज्ड जनरली एंड लूजली बट स्टिल वी आर गोइंग टू हैव टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन और टू डिफरेंट कैटेगरीज. वो कौन सी होंगी? एक उसका जो सोशल कैटेगरी है, एक उसका सोशल कॉन्सेप्ट है और दूसरा उसका जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, हम उसकी बात करेंगे. अगर हम सोशल कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम कहते हैं कि जब इसकी सोशल डेफिनेशन की बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन मींस ट्रांसनेशनल कनेक्शन अमंग पीपल. तो जो लोगों का राबता है उससे उसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन. दूसरा उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट है या उसके जो इकोनॉमिक कैटेगरी है कि ट्रांसनेशनल कनेक्शन अमंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड सोसाइटीज एंड स्टेट्स एंड सो ऑन. ठीक है, तो हम उसके जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, और फिर हम कहते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन एट दिस टाइम इज गोइंग टू बी ऑफन यूज इंटरचेंजेबली विद द लिबरलाइजेशन इंटरनेशनलाइजेशन. ठीक है, हम कि ये टर्म उसके साथ भी मोस्टली हम उसके लिए यूज कर लेते हैं कि लिबरलाइजेशन या इंटरनेशनलाइजेशन के साथ भी. And globalization that is going to be heralded as a key to new age of prosperity. ठीक है, और हम कहते हैं कि जो globalization है इसमें different organizations भी इसको support करती हैं इस process की development में. Like you can talk of League of Nations, how it helped in the creation of United Nations, International Monetary Fund, World Bank and many other related agencies of United Nations. ठीक है, जो कि ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करती हैं. और फिर आप कहते हैं कि इसमें जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं ग्लोबलाइजेशन में वो कौन से? एक तो ऑब्वियसली दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट इज़ अ टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो जो आपकी टेक्नोलॉजी है, ये जो आपका कम्युनिकेशन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, जो कि ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करता है. ओके, अगर हम इस ये जो कॉन्सेप्ट है ग्लोबलाइजेशन का अगर हम उसको एक्सटेंसिव वे में देखें तो हम कहते हैं कि इसके ये बेसिकली ग्लोबलाइजेशन इंक्लूड्स फोर स्टेप्स. उसमें क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन मींस दैट यू आर गोइंग टू स्पीड अप ग्लोबल इंट्रैक्शंस एंड प्रोसेसेस थ्रू यू कैन से थ्रू एवोल्यूशन अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. और दूसरा जो हम उसके एस्पेक्ट की बात करते हैं कि हम कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन मींस कि ये जो आपके ग्लोबल अफेयर्स हैं और आपके जो डोमेस्टिक अफेयर्स हैं इसकी जो बाउंड्रीज हैं दे आर गोइंग टू गेटिंग ब्लर्ड. एंड व्हेन यू टॉकिंग ऑफ द थर्ड एस्पेक्ट सो यू कैन टॉक ऑफ दैट ग्लोबलाइजेशन मींस दैट यू आर गोइंग टू सपोर्ट इंटरकनेक्टेडनेस फ्लो ऑफ ट्रेड कैपिटल कल्चर
migration and so on. और lastly अब बात करेंगे कि globalization means stretching of socio-political and economic activities. So these are essential points of globalization. ठीक है? Okay. So initially हम कहते हैं कि बहुत अरसा पहले जब लोगों ने ये realize किया कि दुनिया गोल है, तो जो word globe है, that was going to be linked with the word globe, जो word था, that was going to be used with the word. Okay. विद द टर्म वर्ल्ड. ओके, लेकिन जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये एक प्रोफेसर ने दिया था, थियोडोर लेविट ने, और हार्वर्ड जो हार्वर्ड स्कूल है वहाँ पे वो पढ़ाता था, और 1961 में ये फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो वर्ड ग्लोबलाइजेशन है वो वर्ड अपीयर होता है डिक्शनरी में. यानी कि ये जो टर्म कॉइन की वो किसने की, ग्लोबलाइजेशन जो टर्म है वो किसने कॉइन की, थियोडोर लेविट ने, और डिक्शनरी में ये वर्ड कब अपीयर होता है, 1961 में. ठीक है, ओके. फिर अगर हम इसकी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव की बात करें कि ये जो हमारे की वर्ड्स थे अगर हम उनको सपोर्ट करें कि प्रॉस क्या है तो उसमें कौन सी थ्योरीज उसको सपोर्ट करेंगी, या कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो कौन सी थ्योरीज को सपोर्ट करेगी, तो डिफरेंट थ्योरीज जो हैं वो एडवांटेजेस जो ग्लोबलाइजेशन को उसको सपोर्ट करते हैं, उसमें वन ऑफ द थ्योरी दैट इज एथिकल थ्योरी. अब एथिकल थ्योरी ये कहती है कि जो ग्लोबलाइजेशन है दैट इज गोइंग टू बी टेकन इन अ फास्टर वे बिकॉज ग्लोबलाइजेशन इज गोइंग टू सपोर्ट इंटरकनेक्टेडनेस. जो ग्लोबलाइजेशन है वो जो लोगों की जो इंटीग्रेशन है उसको सपोर्ट करती है. एज यू नो वेरी वेल कि ये जो कॉन्सेप्ट है यूटिलिटेरियनिज्म, एंड द फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म इज अ जॉन स्टुअर्ट मिल, वो ये कहता है एथिकल थ्योरी में कि जो एक्शंस है दे कुड बी टेकन इन अ पॉजिटिव वे इफ एक्शंस दे आर गोइंग टू प्रमोट ओवरऑल वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल्स. ठीक है, तो क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन है वो लोगों को करीब लाती है, लोगों का जो इंट्रैक्शन है उसको इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से उनमें हैप्पीनेस आती है, तो दैट इज गोइंग टू बी टेकन इन अ पॉजिटिव वे. ओके, फिर जो न्यू लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू है अबाउट ग्लोबलाइजेशन वो भी इसको सपोर्ट करते हैं कि दैट कुड बी टेकन इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन आपके ये जो जस्टिस है उसको सपोर्ट करता है, आपकी जो इंडिपेंडेंस है उसको सपोर्ट करता है. ठीक है, अगेन दैट कुड बी टेकन इन अ पॉजिटिव वे. जो थर्ड थ्योरी है जो ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेजेस को सपोर्ट करती है, दैट इज अ मॉडर्न सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी. अब ये थ्योरी ये कहती है कि आपके व्हाई ग्लोबलाइजेशन कुड बी टेकन इन अ पॉजिटिव वे बिकॉज दैट इज गोइंग टू सपोर्ट योर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, योर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, योर इकोनॉमिक बॉन्डेज दैट इज गोइंग टू बी एंश्योर्ड थ्रू ग्लोबलाइजेशन. और जो आपके इकोनॉमिक इश्यूज हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज योर इकोनॉमिक इश्यूज आर फाइनली दे आर गोइंग टू शेप योर सोशल इश्यूज. तो जब आपकी सोशल हैप्पीनेस उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक आपकी इकोनॉमिक हैप्पीनेस ना हो, और इकोनॉमिक हैप्पीनेस कैसे आएगी, थ्रू ग्लोबलाइजेशन. सो अगेन मॉडर्न सोशल पॉलिटिकल थ्योरी दैट इज गोइंग टू सपोर्ट योर ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट. ओके, जो थ्योरी ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट है, जो कि कॉन्स को सपोर्ट कर रही है, सो दैट इज अ पोस्ट कॉलोनियलिज्म थ्योरी. पोस्ट कॉलोनियलिज्म थ्योरी ये कहती है कि बेसिकली ये जो ग्लोबलाइजेशन है दैट इज यू कैन से एक्सटेंशन ऑफ इंपीरियलिज्म. ओके, सो बेसिकली पावरफुल स्टेट्स दे आर गोइंग टू लीव देयर ओन लेगेसी दैट इज गोइंग टू बी कंटिन्यूड इन यू कैन से सेकंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज. तो इसमें जो इन आप ये कह लें कि जो वर्ल्ड की डिवीजन है उसमें इक्वालिटी नहीं है, उनमें जो कल्चर है उसमें सिमिलैरिटी नहीं है, बल्कि जो पावरफुल स्टेट्स हैं उनका कल्चर डोमिनेट करता है ओवर द डेवलपिंग कंट्रीज एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज. तो दैट इज अ पोस्ट कॉलोनियलिज्म थ्योरी. ओके, तो ये जो कॉन्स, जो पहले तीन थ्योरी थी वो प्रॉस को सपोर्ट कर रही थी, और जो लास्ट थ्योरी है वो उसके कॉन्स को सपोर्ट कर रही है. ओके, ओके, अब आ जाते हैं हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में. अगेन ये जो हमारी जितनी भी हेडिंग्स होंगी, जो हमारे की वर्ड्स हैं, ये उससे रिलेटेड है, उसको टच कर रही हैं. ओके, सो जब हम थ्योरेटिक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आपके डिफरेंट अप्रोचेस आ जाएंगे. एक लिबरल अप्रोच है, दूसरी रेडिकल अप्रोच है. लिबरल अप्रोच भी जो है वो ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करती है, और लिबरल थ्योरी ये कहती है कि ये बेसिकली जो
इंटरकनेक्शन है, ये जो इंटेग्रेशन इंटेग्रेशन है लोगों का आपस में, दैट इज़ वेरी एसेंशियल, क्योंकि ये उनकी जो हैप्पीनेस है और उनकी जो वेलफेयर है, उनका जो जस्टिस है और उनके जो रियल यू कैन से अचीवमेंट है उसको इंश्योर करती है। और उनका ये कहना है कि लिबरल थ्योरी का कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है इसमें स्टेट्स का रोल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, स्टेट का रोल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस प्रोसेस को डेवलप करने में। मसलन अगर हम एंशिएंट रोम की बात करें कि किस तरह से वो वेस्ट के साथ लिंक थे, अगर हम चाइना की बात करें तो वो फारिस्ट के साथ किस तरह से लिंक थे, अगर हम 15 सेंचुरीज की बात करें तो जब हम वर्ल्ड एम्पायर्स की बात करते हैं, इंग्लैंड की, फ्रांस की, पुर्तगाल की, ठीक है, तो वो किस तरह से उन्होंने जो इंटरकनेक्शन है उसको इंश्योर किया, क्योंकि जब तक वो दूसरों के साथ इंटेग्रेट ना करते तब तक वो वर्ल्ड एम्पायर ना बनते, ठीक है, तो वो उसमें आ जाएगा। ओके, उसके बाद जो अल्ट्रा ग्लोबलिस्ट हैं, अल्ट्रा ग्लोबलिस्ट का ये ख्याल था, ये उसके मेन जो अप्रोच है उसके सब पॉइंट्स हैं। अल्ट्रा ग्लोबलिस्ट का ये ख्याल था कि जो अब जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो जो ग्लोबलाइजेशन उसको हम लिंक करते हैं विद द एडवेंट ऑफ राइटिंग, जो कि आप ये कह लें कि 5000 ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ था। जो मॉडरेट्स हैं वो कहते हैं कि जो ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये 100 to 500 ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ है और उसको हम लिंक करते हैं विद द एडवेंट ऑफ यू कैन से जेट एरोप्लेन्स एंड कंप्यूटर्स। लेकिन जो रेडिकल अप्रोच है, रेडिकल अप्रोच कहती है कि जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन में स्टेट्स का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो कहते हैं कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये स्टार्ट होती है जो कि आप कह लें कि इन द 20th सेंचुरी एंड स्पेशली विद सर्टेन इन्वेंशंस, ठीक है, वहां तब जब सर्टेन इन्वेंशन हुई हैं, लाइक टेलीफोन की बात कर लें और बहुत सारी जो इन्वेंशन हुई हैं, फॉर एग्जांपल यू कैन टॉक ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, या 20th सेंचुरी है उसमें जो डिफरेंट इन्वेंशन हुई हैं, वो कहते हैं इनका रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो कहते हैं कि इसमें स्टेट का रोल नहीं है बल्कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनका रोल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं जिसकी वजह से वो जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करें, आप सोशल इंटीग्रेशन की बात करें, तो वो उनको सपोर्ट करते हैं, और ना कि जो लिबरल थ्योरी उसका फोकस है कि स्टेट का रोल इंपॉर्टेंट है ग्लोबलाइजेशन में। जो रेडिकल अप्रोच है वो कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन ग्लोबलाइजेशन। ओके, अब हम आ जाते हैं प्रॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन के, जो ग्लोबलाइजेशन उसके प्रॉज क्या होंगे। तो उसमें जो एक ग्लोबलाइजेशन का आपको जो एडवांटेज नजर आता है वो आता है यूनिवर्सल लैंग्वेज। यूनिवर्सल लैंग्वेज क्या, इंग्लिश इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, ठीक है। ओके, अब उसका फायदा क्या होता है कि जब हम कहते हैं कि मैन इज अ सोशल एनिमल, सो मैन जब एरिस्टोटल ने कहा था कि मैन इज अ सोशल एनिमल, तो जो इंसान है वो अपनी नीड्स के लिए डिपेंडेंट है दूसरों पे। When a person is dependent upon other family members, similarly when you're talking of a one state, so one state is also dependent upon other state for its needs. तो आपकी जो different needs हैं उसके लिए वो दूसरों पर dependent है। जब आप दूसरों पर dependent होंगे तो obviously you have to interact, और interact आप कैसे करेंगे कि you have to use such words which are going to be understood, which have same meanings. हम कहते हैं कि उसका फ़ायदा जो है कि when you are talking of education, कि आपने educate करना है अपने आप को, again आप तो उसमें English that is going to be a universal language जिसका आपको फ़ायदा होता है। इसी तरह जब आपने बिजनेस करना है तो अगेन इंग्लिश, आप अगर वो आपकी यूनिवर्सल लैंग्वेज होगी तो उससे आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, आप अपने आइडियाज़ को कन्वे कर पाएंगे और दूसरे के आइडिया को आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। तो इससे आपका जो पॉलिटिकल आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सारे फुलफिल हो जाएंगे थ्रू सपोर्टिंग अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। तो हम कहते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा है। ओके, फिर हम कहते हैं कि अगर जब आप बिजनेस कर पाएंगे और आप कम्युनिकेशन कर पाएंगे तो इट मींस ओवरऑल क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी कंट्री की। जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या होगा कि आपके जो लेबर अपॉर्चुनिटीज़ है वो ज़्यादा होगी, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, आपके लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएशन होंगी, आपके लिए रिसोर्सेज जो हैं, ये जो आपके रिसोर्सेज हैव्स और हैव्स नॉट के दरमियान अभी हम कहते हैं कि देयर इज अ गैप बिटवीन हैव्स एंड नॉट, तो वो गैप कम होगा। तो जो रिसोर्सेज हैं वहां तक इंडिविजुअल्स की क्वालिटी होगी जिससे उनकी वेलफेयर होगी और उनकी रियल हैप्पीनेस होगी, ठीक है। आप उसकी एग्जांपल्स ये ले लेना कि इवन ड्यूरिंग 20th सेंचुरीज में भी आप ये कहते हैं कि बहुत सारी जो कंट्रीज हैं, लाइक यू कैन टॉक ऑफ कोरिया, के कोरिया किस तरह से जो है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन के जिसने आप ओपन किया अपने आप को, तो कोरिया किस तरह से दुनिया की
ट्वेल्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी वो हो गया, किस तरह से चाइना ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन उसने जो पावर्टी है उस पर कंट्रोल किया, किस तरह से अब बाकी कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल यू कैन टॉक ऑफ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, मैनी अदर यूरोपियन कंट्रीज एज वेल, के ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन उनके लिए अपॉर्चुनिटीज आई जिसकी वजह से उनके जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज उनके लिए ज़्यादा निकली और उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया और जो इंडिविजुअल्स हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की। तो इसमें आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। ओके, फिर हम कहते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी वजह से यू हैव एक्सेस टू ग्रेटर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। अब ग्रेटर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स से क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल यू कैन टॉक ऑफ अ वन मार्केट, यू कैन टॉक ऑफ लंदन मार्केट, कि वहाँ पे आपको पाकिस्तानी राइस भी मिल जाएगा, इंडियन राइस भी मिल जाएगा, वहाँ पे आपको न्यूजीलैंड का बीफ भी मिल जाता है, लैटिन अमेरिका का आपको बनाना भी मिल जाता है, ठीक है। तो इसी तरह के आपको ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन यू डोंट फील योर सेल्फ एलियन इन एनी कंट्री, ठीक है। तो आपको स्टिल एज अ स्ट्रेंजर वाली फीलिंग्स नहीं आती, आपको हर तरह की जो चीज है उसकी एक्सेस हो जाती है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ओके, इसी तरह हम कहते हैं कि जो नेक्स्ट हम प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी है और इसकी वजह से इनोवेशन भी है, इसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, ठीक है। अभी हम देख लेना कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर लें तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो किस तरह से जो डेवलपिंग कंट्रीज थे उनको भी फायदा हुआ, ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम कहते हैं कि जो रिसोर्स स्टेट है, स्टेट के किसी भी उसके जो रिसोर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो आपको जो प्राइवेट पार्टनर जो पार्टनरशिप है, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसकी जरूरत होती है जिसकी वजह से आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। तो हम कहते हैं कि ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो भी उसमें इन्वेस्ट करती हैं, दूसरी स्टेट्स वो भी इन्वेस्ट करती हैं, एंड सो ऑन। लाइक आप यू कैन टॉक ऑफ पाकिस्तानी एग्जाम्पल के जो हमारी स्टील मिल है, तो स्टील मिल में किस तरह से जो रशिया है उसने अपना रोल प्ले किया, या अगर हम अपने फाइटर जेट्स की बात करें तो उसमें किस तरह से चाइना अपना रोल प्ले किया, या हमने जो कंस्ट्रक्शन ऑफ हैवी मशीनरी टैक्स लाया उसमें दूसरे कंट्रीज का किस तरह से रोल, एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप इसकी बात कर सकते हैं। ओके, फिर हम कहते हैं कि इरेडिकेशन ऑफ पावर्टी, क्योंकि आपका इसमें ट्रांसफर ऑफ नॉलेज जो है वो आपको मिलता है जिसकी वजह से आप न्यू प्लान्स जो हैं उनको आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और आप इनोवेशन की तरफ जा सकते हैं, और एट द सेम टाइम आपके जो बेसिक हेल्थ केयर है, किस तरह आप देखें ना कि पहले जो डिफरेंट डिजीजेस थी जिसकी वजह से लोग अफेक्ट होते थे, बहुत सारे लोग जो थे देर गोइंग टू लूज ओन लाइव्स, ठीक है। तो आपने जो बेसिक हेल्थ केयर्स हैं, इवन वेन यू टॉकिंग ऑफ COVID-19 सिचुएशन, तो आप कहते हैं कि ये जो फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि एक कंट्री ने उसकी वैक्सीन डेवलप की तो ऑटोमेटिकली जो बाकी कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं दूसरे कंट्रीज में, वो भी उस टेक्नोलॉजी से फिर बेनिफिट जो है वो लेती हैं। वो खैर उसकी हम डिबेट में नहीं जाते कि वो कम जो उनके पेटेंट राइट्स हैं वो किस तरह से हैं, कितने ईयर्स के लिए हैं, मोस्टली वो 20 ईयर्स के लिए होते हैं, सो ऑन। तो बट स्टिल हम कहते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी वजह से आपके जो हेल्थ के इश्यूज हैं दे आर गोइंग टू बी डन ऑन अ फास्टर रेट, एंड यू आर गोइंग टू फील योर सेल्फ मोर सिक्योर। आपका जो लाइफ स्पैन है दैट इज गोइंग टू गेट इंक्रीज एज वेल, आपका जो मोर्टेलिटी रेट है दैट इज गोइंग टू गेट रिड्यूस, एंड सो ऑन। आप उनकी बात कर सकते हैं। ओके, फिर हम कहते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है इसके जो एडवांटेजेस की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आपको न्यू कल्चर का एक्सपोजर होता है। अब न्यू कल्चर का क्या एक्सपोजर होगा कि न्यू ग्लोबलाइजेशन की वजह से, आप देखें ना कि आपके ये जो ड्रेसिंग पैटर्न्स हैं वो किस तरह से चेंज हो गए हैं, आपके जो ईटिंग पैटर्न्स हैं वो किस तरह से चेंज हो गए हैं, आपके जो जॉब पैटर्न्स हैं वो किस तरह से वो चेंज हो गए हैं। तो आपका जो डिफरेंट कल्चर्स की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आपके कल्चर में डिफ्यूज़ होती हैं, ठीक है, डिफ्यूजन होती है, जिसकी वजह से जो सोसाइटी है उसकी जो रियल हैप्पीनेस है वो इंक्रीज होती है, और उनका जो कंफर्ट लेवल है दैट इज़ गोइंग टू बी मोर सपोर्टेड, एंड सो ऑन। आप इसकी बात कर सकते हैं। नेक्स्ट आप कहते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेजेस में जो जेंडर इश्यूज हैं वो किस तरह से हाईलाइट होते हैं, कि आप जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, और जो जेंडर वायलेंस है उसको आप ख़त्म करने की बात करते हैं। अगर हम जेंडर वायलेंस की बात करें तो देखें ना, आज आप इसकी बात करते हैं जी कि ये ऑनर किलिंग है, ठीक है, वनी है, कारोकारी है, मैरिटल रेप है, डोमेस्टिक अब्यूज है, ठीक है, आप कहते हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इस साइड थ्रोइंग है, आप उसको हाईलाइट करते हैं अगेन कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी वजह से हम कहते हैं कि जो इंडिविजुअल हैं इन टर्म ऑफ देयर सोशल रिकॉग्निशन दे आर गोइंग टू फील देमसेल्फ मोर सिक्योर। कि इनिशियली क्या होता था कि जो एक मेल है, मेल शावनिज्म था, मेल प्रायोरिटी थी, अब ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा अवेयरनेस होने की वजह से लोग फीमेल को भी उसी तरह से ही रिसीव करते हैं उसकी बर्थ पे, और उसको उसी तरह से वेलकम करते हैं।
और ये जो आपका एक सोशल टैबूज थे और ये जो सोशल रिस्ट्रिक्शंस थे और समटाइम फैमिली प्रेशर होता था एक एक फीमेल पे, उसने एक शायद उसके कंट्रोल में है कि वो उसने मेल बेबी को बर्थ देनी है, तो अब ये जो चीज़ें हैं उस पर अवेयरनेस आ गई है और लोग इन चीज़ों को डिस्कर्ज करते हैं कि इन चीज़ों पर वायलेंस नहीं होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि और इसी तरह हम कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक जो फीमेल है उसके लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज हुई हैं, कि ये नहीं है कि वो फीमेल है तो आप इस वजह से आप उसको कम जो है वो पे करो, और जो एक फीमेल है उसके लिए आप डिस्क्रिमिनेटरी जो बिहेवियर है वो रखो। तो हम कहते हैं कि अगेन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन जो है वो आप फीमेल की प्रमोशन भी हो रही है, फीमेल्स के लिए जॉब क्रिएशन भी हो रही है, उनको थ्रू कोटा जो है वो अकोमोडेट भी किया जाता है। इसी तरह ट्रांसजेंडर की बात करें तो हम कहते हैं कि आजकल ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन के जब ज्यादा अवेयरनेस है तो जो ट्रांसजेंडर राइट्स हम उनकी भी बात करते हैं, तो जेंडर इक्वालिटी यू कैन टॉक ऑफ, ठीक है, कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो जेंडर इक्वालिटी को भी सपोर्ट करती है। तो जेंडर इक्वालिटी पे बेसिकली ऑलरेडी भी हम एक वीडियो बना चुके हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है, और जेंडर इक्वालिटी पे कैसे भी खैर आया हुआ है डिफरेंट ईयर्स में। ओके सो ये प्रॉस को डिस्कस करने के बाद आप कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन की तरफ आ जाएं कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी एग्जिस्ट करते हैं। उसमें जो एक है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो अंडरमाइन करती है एथिकल कॉन्स्ट्रेंट को। एथिकल कॉन्स्ट्रेंट में ये एक आर नारायणन का जो आर्टिकल है प्रोसेसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जो कि पब्लिश हुआ था 2004 में, तो उसमें डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाते हैं कि उसमें उनका जो आरएन है उसका ये ख्याल था कि ये कनाडा की एग्जांपल है कि उसमें जो एथिकल कॉर्पोरेशन है, एथिकल कॉर्पोरेशन जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उसको सू करती है। कैनेडियन गवर्नमेंट क्या करती है कि कैनेडियन गवर्नमेंट जो जो एथिकल कॉर्पोरेशन है उस पर बैन लगा देती है, ठीक है, क्यों बैन लगाते हैं, उसका एक प्रोडक्ट था गैसोलीन एडिटिव्स, उसका ये ख्याल था कैनेडियन गवर्नमेंट का कि ये हार्मफुल है। अब वो प्रोडक्ट तो जो वो बना रहे थे वो बेसिकली हार्मफुल था इंडिविजुअल्स की हेल्थ के लिए, लेकिन जो एथिकल कॉर्पोरेशन है उसने उसको सू किया कैनेडियन गवर्नमेंट को कोर्ट में, और जिसमें वो जो डिसीजन आया वो उसके फेवर में आ गया कि ये जो आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है नाफ्टा उसमें जो कॉर्पोरेशंस हैं उन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती और उनकी जो फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड है उसको सपोर्ट किया जाना चाहिए, उस पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। अब उसकी बेसिस पे ये जो एथिकल कंस्ट्रेंट्स है समटाइम्स स्टेट्स उसको हेल्पलेस फील करती हैं और जो इंडिविजुअल्स की वेलफेयर है उसको वो इंश्योर नहीं कर पाती, और वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं समटाइम दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट देयर ओन वेस्टर्न इंटरेस्ट, तो ये उसमें आ जाएगा, ठीक है। Similarly, another example that relates with the Mexican government, कि इसमें जो Mexican government थी उसने Metal Cat Corporation पे पाबंदी लगाई थी कि वो अपनी एक they were going to reopen dump site, ठीक है, तो उनका ये ख्याल था कि वो जो साइट है that is a toxic और वो जो साइट है that is a harmful to individual health। तो अगेन जब कोर्ट में वो केस लेके गए तो कोर्ट ने कहा कि जो कंपनीज हैं उनके फ्री फ्लो ऑफ जो ट्रेड है उनके जो स्पिरिट को सपोर्ट करना चाहिए और आप उन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएं, बल्कि जो कंपनीज हैं दे हैव टू एग्जामिन बाय देमसेल्व्स, ठीक है, रादर देन स्टेट दे हैव टू टेक लीड एंड दे नीड टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगेन उसको वो जो मल्टीनेशनल कंपनी थी उसको अलाउ कर दिया गया। तो हम कहते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी वजह से समटाइम जो एथिकल कंस्ट्रेंट्स हैं उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। ओके नेक्स्ट हम कहते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो जो वर्किंग क्लास है उसके लिए भी समटाइम वो इनइक्वालिटी क्रिएट कर लेती है, या वर्किंग क्लास के जो इंटरेस्ट हैं ग्लोबलाइजेशन उसको प्रोटेक्ट नहीं करती। अब इसमें ये इकोनॉमिस्ट है डेविड कॉर्टन, अब वो इस चीज़ को हाईलाइट करता है अपने आर्टिकल में कि इवन जो 6 मिलियन चाइनीज हैं दे आर वर्किंग इन सच फैक्ट्रीज विच दे आर गोइंग टू एक्सपीरियंस रिपीटेड इंजरीज, ठीक है, और वो जो फैक्ट्रीज हैं उसमें काफ़ी जो हैं आप ये कह लें कि दे आर नॉट गोइंग टू टेक सच मेजर्स विच आर गोइंग टू एंश्योर एम्प्लॉयमेंट सेफ्टी, ठीक है, जिसकी वजह से उनको वहाँ पर काम करना पड़ता है। और इवन यू कैन टॉक ऑफ फ्यूजन प्रोविंस जो कि चाइना का है, वहाँ पे जो एक फैक्ट्री है इवन एक फैक्ट्री में 1/10 ऑफ देयर एम्प्लॉयज दे आर गोइंग टू हैव देयर फिंगर क्रश्ड बाय ऑब्सोलीट मशीन्स, ठीक है, कि उनके हाथ कट गए कि वो उसमें प्रिकॉशनरी मेजर्स या जो सेफ्टी मेजर्स से उनको वो इंश्योर नहीं कर पाते थे या जो अपडेटेड मशीन्स है उनका वो यूज नहीं करते थे। और इवन एक प्रोविंस में 45,000 पीपल जो थे वो अफेक्ट हुए थे,
ठीक है, तो एक ओवरऑल परवेंस कि उसमें इंडिविजुअल्स का किस तरह से सेफ्टी लेवल है और एक खास कंपनी उसमें एक यूनिट उसकी भी हमने एग्जाम्पल ले दी। ठीक है, ओके। इसी तरह जो एक और रिसेंटली अगर हम बात करें 2021 की, तो इसमें जो एक उनकी कंपनी है चाइना में, दैट इज अनपु इलेक्ट्रिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने एक नया यू कैन से दे मेड अ रूल कि जिसमें उन्होंने ये कहा कि आपके जो वर्किंग आवर्स हैं, इफ यू आर गोइंग टू टेक अ रेस्ट फॉर वॉशरूम मोर देन वंस ड्यूरिंग योर शिफ्ट, देन यू वुड बी फाइन 20 yuan। ठीक है, अब ये इस तरह की जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप समटाइम उनके जो हेल्थ इश्यूज हैं या मैनी अदर इश्यूज हैं, आप उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। हम कहते हैं कि ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि आपका जो फोकस है वो आपके इकोनॉमिक प्रोडक्शन पे है, आपके जो वेस्टर्न इंटरेस्ट है उस पे है, तो जो सोशल एस्पेक्ट है उसको आप ओवरलुक कर देते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है, ये जो वर्किंग इंडिविजुअल्स हैं उनके जो इंटरेस्ट हैं, अनफॉर्चुनेटली वो समटाइम उस तरह से प्रोटेक्ट नहीं हो पाते। इसी तरह हम कहते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसके जो नेगेटिव इंपैक्ट हैं वो चिल्ड्रंस एजुकेशन पे भी हैं। ठीक है, चिल्ड्रंस एजुकेशन पे किस तरह से हैं, क्योंकि आपका जो ज्यादा फोकस है वो है प्रोडक्शन पे है, और प्रोडक्शन में आप किस तरह से कम्पीट करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में, जब आपका जो यू कैन टॉक ऑफ कि आपकी जो प्रोडक्शन कास्ट है जब वो चीप होगी। अब प्रोडक्शन कास्ट को कंट्रोल करने के लिए आप चीप लेबर पे फोकस करते हैं। आप चीप लेबर पे जब आप जाते हैं तो आप एक तो जो लो स्केल लेबर है आप उसको टारगेट करते हैं ताकि आप उसको कम पे करना पड़े, या वो बंदा आप उसको हायर करते हैं जो कि जॉब के लिए सूटेबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल व्हेन यू टॉक ऑफ चाइना, व्हेन टॉकिंग बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में 80,000 माइनर्स जो हैं अंडर द एज ऑफ 14, दे वर्क फॉर 60 आवर्स। ठीक है, इन बांग्लादेश, क्योंकि आपको पता है कि बांग्लादेश जो है वो जीएसपी प्लस की वजह से, जो स्कीम है उसकी वजह से यूरोप में उसको एक्सेस मिल गई डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, तो वो उसका प्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस है, जिसकी वजह से वो बच्चों को उन्होंने इन्वॉल्व कर दिया प्रोडक्शन सेक्टर में। तो जब बच्चों को आप एंगेज कर लेते हैं इस तरह से, तो उनकी जो एजुकेशन है वो अफेक्ट होगी, और उनका जो ओवरऑल आप कह लेंगे उनकी जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग एलिमेंट है दैट वुड बी स्किप। तो अगेन दैट इज अ बैड एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि आप उसमें जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं सिर्फ उन पे फोकस करते हैं, और जो एक पर्सनैलिटी इंडिकेटर्स हैं समटाइम वो इग्नोर हो जाते हैं, और जो एक रियल सोसाइटी के लिए, किसी भी सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए जो उसके रियल पोटेंशियल्स हैं लाइक एजुकेशन, दैट इज गोइंग टू बी गेट कम्प्रोमाइज्ड। ओके ओके, सिमिलरली इसमें एक और एग्जांपल भी आ जाती है कि ये जो शिवा की स्टडी है इकोलॉजिकल बैलेंस, उसमें वो कहते हैं कि इवन जो रिसाइकलेबल वेस्ट है वो डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ भी शिफ्ट किया जाता है, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि आप उनके जो इंटरेस्ट है वो आप उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। ओके, फिर हम कहते हैं कि जो ये जो ग्लोबलाइजेशन है, जब उसके नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि इसमें जो डेवलपिंग और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज के दरमियान जो बैलेंस है, अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट गोइंग टू गेट मेंटेन। अब उसमें किस तरह से, मसलन हम कहते हैं कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड को सपोर्ट करती है। ठीक है, कि जो ट्रेड है उसमें डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, और उसमें जो आपकी ट्रेड है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अब होता उसमें क्या है कि ओके, आप कहते हैं कि उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इट मीन्स अगर एक स्टेट को दूसरी स्टेट के अगेंस्ट कोई मसला है तो वो अपना इश्यू जो है वो किस फोरम पे लेके आए, उन्होंने एक मैकेनिज्म दिया हुआ है WTO के अंदर ही कि उसमें आप अपना इशू लेके आए। अब होता क्या है कि इनिशियली जो स्टेट्स हैं उनको प्रिफर किया जाता है, एनकरेज किया जाता है कि वो अपना जो मैटर है वो बायलैटरली डिस्कस करें थ्रू नेगोशिएशंस Within 60 days. अगर उनका मसला नहीं हो पाता तो एक dispute settlement body बनी हुई है under the WTO. तो वो basically जो general council है ना वही act करती है as a dispute settlement body, जिसमें WTO के सारे members होते हैं। तो जब bilateral वो कोई भी state अपने issue को resolve नहीं कर पाती, एक state को जब दूसरी state के against कोई issue है तो वो bilaterally देखें, बायलैटरली जब वो हैंडल ना कर पाए तो वो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को कहते हैं कि आप एक पैनल बना दें जो कि हमारे मसले को इन्वेस्टिगेट करे। ओके, अब जो पैनल है, जब पैनल अपना डिसीजन देगा, तो अगर उस डिसीजन के अगेंस्ट किसी को इतराज है तो वो फिर अपेलेट बॉडी में अपना डिसीजन उस डिसीजन को चैलेंज कर ले। अब मसला ये है कि 2019 से आनवर्ड, दिसंबर 2019 से आनवर्ड जो अपेलेट बॉडी है उसके मेंबर पूरे नहीं हुए, क्योंकि उसके जो मेंबर हैं जब भी उसमें आता है तो उसमें जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो उसको रेजिस्ट करता है।
अब उसके मेंबर्स किस तरह से होंगे, सॉरी, कि जितने भी डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स हैं वो थ्रू कंसेंसस मेंबर्स को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, उनके अपॉइंटमेंट को एंडोर्स करेंगे, तो अमेरिका हमेशा उसको रेजिस्ट कर देता है। तो हम कहते हैं कि इसमें इशू क्या होता है कि आपने कहा कि ओके केस में आप ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपने कहा कि ट्रेड ओपन हो गई है। अब ट्रेड ओपन होने की वजह से अगर ट्रेड में इश्यूज हैं तो ट्रेड के जो मैटर्स हैं वो भी उसी तरह से फिर इक्वली रिजॉल्व हो, लेकिन हम उसमें देखते हैं कि उसमें हमेशा जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनकी से ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह हम कहते हैं कि सम टाइम अगर जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपने जो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट है उसका मैकेनिज्म तो दिया हुआ है, लेकिन अगेन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज अ क्वेश्चन है। पर इसमें जो डिसीजन आ जाता है, एक केस है अमेरिका वर्सेस निकारागुआ, ठीक है, अब उसमें जो डिसीजन है कि अमेरिका ने इस तरह की जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगाई वो फैसला डब्ल्यूटीओ ने दे दिया निकारागुआ के फेवर में, अब उसमें पार्टी कौन था जिसके अगेंस्ट वो आया, यूनाइटेड स्टेट्स था। तो अगेन कि आप किस तरह से उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करेंगे अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स, दैट इज अ मेजर इशू। तो हम कहते हैं कि अगेन ग्लोबलाइजेशन ने जो स्टेट्स हैं उनको तो क्लोज किया है, लेकिन उनके जो मैटर्स हैं वो उस तरह से रिजॉल्व नहीं हो पाते, या उन मैटर अगर उनमें इश्यूज हैं तो उनको आप जो है वो मेरिट पे अगर आप डिस्पोज ऑफ कर भी दें उस केस को तो उसके जो ट्रू रिजल्ट्स हैं वो आपको नजर नहीं आते। सो अगेन दैट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ओके। उसके बाद हम कहते हैं कि जो अदर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का, वो आ जाता है कि आप इसमें जो एक फ्री ट्रेड है, ट्रूली फ्री ट्रेड, उसको आप सपोर्ट नहीं कर पाते। अब वो क्या है, दैट इज अ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स, दैट इज अ एग्जांपल के जिसके जरिए आप इस पॉइंट को एलेबोरेट कर सकें। अब स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स क्या है, ये जो IMF है, ठीक है, वो आपको जब एक लोन देगा तो उसकी सर्टन कंडीशन होती हैं, ओके। जब आप कहते हैं कि अच्छा जब आपको हम ट्रेड दें, आपको हम लोन दे रहे हैं, तो आपको इस लोन में जो सब्सिडी है आप अपनी सब्सिडी को ख़त्म करें, और सब्सिडी को भी ख़त्म करें और साथ साथ आप क्या करें कि आप अपने रेवेन्यू को भी जनरेट करें। अब गवर्नमेंट क्या करेगी कि कंट्री लाइक पाकिस्तान, जब आप IMF से पैसे लेंगे तो वो कहेंगे कि आप अपने जो, ठीक है कि हम आपको पैसे तो दे रहे हैं लेकिन आप अपना सिस्टम इस तरह से बनाएं कि आप हमें अपने पैसे वापस कर सकें, और आप अपने पैसे कब वापस करेंगे कर सकेंगे कि जब आप पैसे खुद जनरेट करेंगे, ऐसे ही होगा ना। तो पैसे जनरेट करने के लिए क्या होगा कि आप अपनी जो डिफरेंट सब्सिडीज आप दे रहे हैं आप एक तो वो ख़त्म करें, और दूसरे नंबर पे आप अपना टैक्स जो है उसको बेहतर बनाए, टैक्स सिस्टम जो है ये टैक्स रिफॉर्म्स लेके हैं। अब टैक्स रिफॉर्म यानी कि रेवेन्यू जनरेशन पे उनका फोकस होता है कि आप अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करें। अब गवर्नमेंट किस तरह से रेवेन्यू जनरेट करती है कि दो रेवेन्यू दो तरह, अब टैक्स जब लगाते हैं दो तरह के टैक्स होते हैं ना, आपके डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो गवर्नमेंट फिर क्या करती है इन डेवलपिंग कंट्रीज के, वो जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं उस पे ज्यादा फोकस कर लेती है। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स ये होता है ये GST की सूरत में। तो जब आप इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा लगाएंगे तो आपकी सेविंग कम होगी, जब आपकी सेविंग कम होगी तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होगी, जब इन्वेस्टमेंट कम होगी तो आपकी प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी तो एक्सपोर्ट्स कम होंगी, एक्सपोर्ट्स कम होंगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो आपका ट्रेड इम्बैलेंस होगा, ट्रेड इम्बैलेंस होगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट होगा तो इन्फ्लेशन होगी, इन्फ्लेशन होगी तो पावर्टी होगी। तो आप कहते हैं कि अगेन ये जो एक है जो फ्री ट्रेड, एक तरफ हम कहते हैं कि ट्रेड फ्री होगी, दूसरी तरफ इस तरह की कंडीशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से आपके लिए ट्रेड के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं रहती। और दूसरा यह कि इवन आपका ये जो IMF है, जब ये डेवलपिंग कंट्रीज को इंटरेस्ट देगा, लोन देगा, तो इसका इंटरेस्ट और होता है, जब ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज को लोन देता है तो उसका इंटरेस्ट रेट डिफरेंट होता है। तो आप कहते हैं कि इस तरह से आपकी जो प्रोटेक्शन कैपेसिटी दैट इज गोइंग टू गेट कम्प्रोमाइज, और एक जो फ्री ट्रेड है वो उस तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पाते, अगेन दैट इज अ डिसएडवांटेज। फिर आप कहते हैं कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है इसमें जो पावरफुल स्टेट्स हैं वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाती हैं, और जो वीकर स्टेट्स हैं वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। फॉर एग्जांपल आप ये देखें ना कि इमिग्रेशन के रूल्स फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के हार्ड होंगे या जो सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनके रूल ज्यादा हार्ड होंगे ऑब्वियसली फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के। तो इमिग्रेशन आपका, वो आपकी इमिग्रेशन लेना चाहेंगे या आप उनकी इमिग्रेशन लेना चाहेंगे, ठीक है। तो अगेन आप ये कहते हैं कि उसमें जो पावरफुल स्टेट्स हैं वो आपके जो रूल्स बनाते हैं दे आर मोर टाइट, दे आर मोर हार्ड, दे आर मोर स्ट्रिंजेंट, जिसकी वजह से जो फिर इमिग्रेंट्स होते हैं उनके लिए इश्यूज आते हैं, और ग्लोबलाइजेशन
जो इमिग्रेंट्स हैं उनके चैलेंजेस को रिजॉल्व नहीं कर पाया कि यूनिफॉर्मली, तो आप कहते हैं कि डिफरेंट रीजन्स में उनके इश्यूज हमेशा रहते हैं। और अगेन सम टाइम क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से आप में फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर तो हुई है, लेकिन जो जो लेबर राइट्स हैं क्या वो इक्वली उस तरह से प्रोटेक्टेड हैं अक्रॉस द ग्लोब? तो अगेन द आंसर इज नो। लाइक यू कैन टॉक फॉर गल्फ कंट्रीज के मोस्टली आप ये देखें कि वहाँ के जो लेबर के, इवन के ये COVID-19 में तो इवन गल्फ कंट्रीज में जो लेबरर हैं इवन उनके राइट, उनकी जो तनख्वाह है वो भी उनको नहीं मिली, क्योंकि ऑब्वियसली वो कफील पे डिपेंडेंट होते हैं तो सारी चीज़ों के लिए, तो कफील जो है ऑल इन ऑल, ठीक है। तो हम कहते हैं कि सम टाइम जो वर्कर्स एक्सप्लॉयटेशन है वो भी होती है, ठीक है। इवन आप व्हेन यू टॉकिंग ऑफ इवन सम अदर कंट्रीज लाइक लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, तो वहाँ पे भी जो वर्कर्स की एक्सप्लॉयटेशन है जो फर्स्ट, और अगेन हम ये कहते हैं कि सम टाइम अगेन वो दैट इज इम्पॉर्टेंट कि आपके पास वो वीज़ा कौन सा है और फिर आपकी मूवमेंट किस तरह से हुई है, तो देर आर मैनी अदर इशूज जिसकी वजह से जो वर्कर्स हैं वो अपने राइट्स को उस तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। ओके अगेन जो हम कहते हैं कि एक और डिसएडवांटेज है ग्लोबलाइजेशन का, कि ग्लोबलाइजेशन में जब फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर है और तो उस फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर में आपके बहुत सारी जो डिजीजेस हैं वो इजीली कम्यूट हो जाती हैं, ठीक है। उसमें आप COVID-19 की बात कर लें कि वो COVID-19 चाइना से स्टार्ट हुआ क्योंकि एट द सेम टाइम आपका जो मूवमेंट है दैट वॉज वेरी ईजी, आपने उस चीज़ को उस तरह से कंट्रोल नहीं किया जिसकी वजह से वो दैट वॉज अ ग्लोबल पेंडेमिक, और फिर आपकी जो इकॉनमीज हैं डिफरेंट इकॉनमीज, आपका एजुकेशन सिस्टम, आपका बिजनेस सेक्टर, वो किस तरह से अफेक्ट हुआ। तो COVID-19 के आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, फिर इबोला की एग्जाम्पल दे सकते हैं, SARS की बात कर सकते हैं, और आपका ये जो H5N1 वायरस है, बर्ड फ्लू, आप इसकी बात कर सकते हैं, फिर मेडको डिजीज के, ये डिफरेंट डिजीजेज हैं जो आप कहते हैं कि जी के ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि उसमें फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल था, तो फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल होने की वजह से फिर ऑटोमेटिकली जो डिजीजेज हैं वो भी कम्यूट हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं कि इसमें जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें जो अगर हम बात करें कि फेयरली जेंडर इक्वालिटी, तो उस तरह से नहीं है। मसलन हम लेबर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो हम कहते हैं कि मेल और फीमेल की अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो फीमेल जो है दे आर हाफ इन नंबर इन द वर्ल्ड। जब आप ओवरऑल लेबर अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, ये जो ILO की रिपोर्ट है, तो उसमें जो फीमेल हैं दे आर वर्थ 1/3 इन लेबर अपॉर्चुनिटीज, कि मेल और फीमेल जो पॉपुलेशन वाइज जो है उनका नंबर इक्वल है ऑलमोस्ट इन द वर्ल्ड। और अगर 100 अगर मेल जो है, अगर मेल 100 एम्प्लॉयड है तो फीमेल कितनी एम्प्लॉयड है? दे आर 33, ठीक है। तो लेबर अपॉर्चुनिटी में सेम नहीं। इसी तरह अगर हम बात कर लें एट द सेम टाइम अगर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की बात कर लें तो अगेन फीमेल दे आर 1/7, कि अगर आपने 7 रखने हैं एडमिनिस्ट्रेटर तो उसमें 7 में से एक फीमेल होती है, बाकी सारे मेल होते हैं। इसी तरह जब आप इनकम की बात करते हैं सो फीमेल दे आर गोइंग टू रिसीव 1/10 ऑफ इनकम, ठीक है। तो जो 10 में से एक हिस्सा फीमेल को मिलता है, तो ओवरऑल देयर इज अ मोनोपोली ऑफ मेन इन द वर्ल्ड। तो हम कहते हैं कि अगेन उस तरह से लेबर अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो इक्वल नहीं है। इवन पार्लियामेंट की भी बात कर लेते हैं, इन द वर्ल्ड फीमेल जो हैं दे आर गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट 10% ऑफ द टोटल पार्लियामेंट, मीन टॉकिंग ऑफ कैबिनेट, सो वेमेन दे आर गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट 6% ऑफ द टोटल कैबिनेट इन द एंटायर वर्ल्ड। ओके, इसी तरह फिर हम बात करते हैं कि ये जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं कि दे आर डिफरेंट इश्यूज। एक तो ये होता है कि कुछ सोसाइटीज में लाइक व्हेन यू टॉकिंग ऑफ मुस्लिम सोसाइटीज, सो फीमेल दे हैव सम सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन दैट दे कैन नॉट गो आउटसाइड ऑफ द होम इन ऑर्डर टू हैव देयर इकोनॉमिक रोल्स। सम टाइम ये होता है क्योंकि हमारी सोसाइटी में रोल्स जो हैं दे आर डिवाइडेड, होम मेकर एंड ब्रेड विनर। सो फीमेल का पे जो ज्यादा प्राइमरली उस पे जो बर्डन है वो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का है, तो उसके लिए भी ज़रूरी होता है कि वो जो है वो ऐसा रोल ले जो कि आप उसको जो है आप ये कह लें कि फ्रॉम होम, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम जो है उसको सपोर्ट कर सके। और थर्ड पे ये है कि डिफरेंट जो कंपनीज हैं वो भी ये समझती हैं कि वो ये जो वर्क फ्रॉम होम है उसको वो प्रीफर करें, क्योंकि जो होम फ्रॉम वर्क है उसको एक तो एट द टाइम ऑफ नीड जो है वो दिया जाएगा, और दूसरा ये कि नो वर्क एट द सेम टाइम नो पेमेंट, ठीक है। एंड जो वर्कर्स हैं हु आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट फ्रॉम होम दे कैन बी इजिली हायर्ड एज वेल एज इजिली फायर्ड। तो जो मोस्टली अगर हम होम वर्कर्स की बात करें तो वो वेमेन हैं, तो अगेन दे आर गोइंग टू बी टारगेटेड। हम कहते हैं कि उनके जो एम्प्लॉयमेंट राइट्स हैं वो उस तरह से प्रोटेक्ट नहीं हो पाते।
अगर हम डेवलपिंग वर्ल्ड की भी इवन बात कर लेते हैं, तो इवन डेवलपिंग वर्ल्ड में भी एक तो यह ना कि आप कहते हैं कि इन द एंटायर वर्ल्ड जो जेंडर इनइक्वालिटी है दैट इज एग्जिस्टिंग, ठीक है. इवन व्हेन यू टॉकिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, तो उसमें भी अगर 100 मेल एम्प्लॉयड है तो 80 फीमेल एम्प्लॉयड है, तो इवन उनमें भी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है. अब इश्यूज क्या है? इश्यूज अगेन वही है कि बेसिकली इन द एंटायर वर्ल्ड आप ये कह लें कि स्टिल वी आर गोइंग टू सपोर्ट पेट्रियार्कल थिंकिंग, स्टिल देयर इज अ पेट्रियार्की, स्टिल फीमेल जो है दैट्स गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज अ चाइल्ड प्रोड्यूसिंग मशीन. क्या आप ये कह लें कि जो सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उसमें ये स्टिल कॉन्सेप्ट ज्यादा है, ठीक है. फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में क्योंकि मोर दे हैव अडॉप्टेड मोर डेमोक्रेटिक अप्रोच, दे आर गोइंग टू सपोर्ट मोर रूल ऑफ लॉ, देयर इज अ नो they are going to have more literacy rate, so comparatively situation is a better, but not 100% situation that is in the favor of women. वहाँ पे भी still आप ये कहते हैं कि female के against जो है वो domestic abuse की बात कर लें, और इसके साथ साथ आप बात कर लें ये marital rape की बात कर लें, many other issues as well as वो जो sexual rape उसकी हम बात कर लें, तो हम कहते हैं कि still वहाँ पे भी issues हैं. तो जब तक आप थिंकिंग को चेंज नहीं करेंगे तब तक उस तरह से आप जो ग्लोबलाइजेशन के इक्वल बेनिफिट्स हैं टू द ऑल इंडिविजुअल्स उस तरह से आप उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. ओके, अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो हम कहते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन मींस दैट वी नीड टू बी मोर अवेयर व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड एंड बीइंग आउट. कि अगर हम ग्लोबलाइजेशन की इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे to be globally unaware and hence left behind, ठीक है. और ये जो interconnectedness है that provides many economic benefits that come in equal measures with negative consequences such as slavery, displacement and diseases, जो कि ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं. फिर हम कहते हैं कि जो information है that is occurring at substantial level and at a faster rate than ever before, and what is important in how this information is used and disseminated, that is very important. And globalization जो है ये alter कर रही है आपके economic landscape को, और at the same टाइम भी आपकी ये जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं उनको ये सपोर्ट करती है. ओके, तो हम कहते हैं कि ठीक है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो कुछ इश्यूज आपके जो हैं वो कर रही है, लेकिन उसमें जो कुछ इम्प्लीकेशंस हैं, अगर कुछ इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं तो कुछ इम्प्लीकेशंस भी सामने आ रही हैं, ठीक है. तो हम कहते हैं कि फिर भी जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है वो आजकल ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं. अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो तो कुछ स्पेसिफिक होती हैं ना, फोकस्ड होती हैं. मसलन आप कह रहे हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं फॉर एग्जांपल वेमेन राइट की बात करेंगे, चिल्ड्रन राइट की बात करेंगे, वर्कर राइट की बात करेंगे या रिलीजियस फ्रीडम की बात करेंगी, बट हम कहते हैं कि फिर भी जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वो सब की बात करें, लाइक यूनाइटेड नेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूनेस्को की आप बात कर लें, तो हम कहते हैं कि आप अब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आप यूनिफॉर्म क्राइटेरियन पे आ रही हैं कि जो individuals and they would be taken and they need to be dealt on equal footing and there should be no discrimination among any individual just on the basis of caste, color, religion, belief, sex and so on. तो हम कहते हैं कि अब हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि एक जो यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क है और जो होमोजीनियस स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम अडॉप्ट करने की बात करें, ताकि सारे ह्यूमन राइट्स जो हैं और ह्यूमन राइट्स में सारी चीज़ें आ जाती हैं ताकि वो उनको कवर, और ह्यूमन राइट्स पर मेरा ख्याल है कि ऑलरेडी मैं एक वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ. So that's all about this. Okay. So that would be your quiz. के अगर हम इसकी बात करें कि ये जो thesis statement है इसको के pros and cons of globalization, तो इसकी आप thesis statement किस तरह से build करेंगे, और who coined the term globalization, ये already मैंने आपको बताया है, ठीक है. और अगर मैं आपसे कहूँ कि what are the pros of globalization after watching this video, so you can mention in the comment section. और थ्रेटिकल परस्पेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या होगा, वट डू यू रिमेंबर सो फॉर. और फिर हम कहते हैं कि जो वर्ड ग्लोबलाइजेशन है, वेन दैट वर्ड वॉज गोइंग टू बी यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन डिक्शनरी. सो दीज क्वेश्चन यू कैन आंसर इन कमेंट सेक्शन, एंड दीज थिंग दे वर गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन योर क्विज पार्ट. ओके, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज फील फ्री इन योर कमेंट सेक्शन. थैंक यू वेरी मच, एंड यू मे सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़.